हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। वेलकम टू BSES मोबाइल सर्विस। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये है आईफोन 14 प्लस की GX डिस्प्ले। दोस्तों मैं आपको इस डिस्प्ले का रिव्यू दूंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है और दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में कि आपको ये डिस्प्ले लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स है इस GX का, और बाकी अंदर देखते हैं। अंदर देखिए दोस्तों, ये इस टाइप की कुछ डिस्प्ले है। ठीक है तो दोस्तों, ये डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो कहते हैं ओरिजिनल जैसी क्वालिटी होती है। GX अच्छा ब्रांड होता है। बाकी दोस्तों ये जो स्टिकर लगा हुआ है, ये स्टिकर तो आप के ऊपर मत जाना, ये सिर्फ जो डीलर होते हैं, डीलर अपना जो स्टिकर है वो लगा के देते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टिकर किसी भी डीलर का मिल सकता है। ठीक है तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो पत्ते हैं वगैरह मैंने लगा दिए हैं, और देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको GX का ब्रांड का नेम। तो दोस्तों ये है GX ब्रांड का जो है लोगो लगा हुआ है। ठीक है बाकी दोस्तों, ये जो लोगो है ब्लू वाला, ये तो डीलर जो देता है अपना स्टिकर लगाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो डीलर लोग स्टैंप लगाते हैं, डेट डालते हैं, उन सबकी मिलेगी। बाकी दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो चिप है, ये पत्ता दोस्तों है ये IC का। दोस्तों जो डिस्प्ले मैसेज, जो अननोन पार्ट का मैसेज आता है, वो यहाँ इस IC को रिप्लेस करके लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जो हमने इसका जो एरर मैच किया है डिस्प्ले IC का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे हमने इसका मैच किया है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ क्वालिटी। तो दोस्तों क्वालिटी में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो बाहर की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी जो ही लोकल होती है, लेकिन क्वालिटी अंदर से तो अच्छी है। तो दोस्तों इसके जो बेजल्स होते हैं, बेजल्स भी इसके पतले हैं, कोई ज़्यादा मोटे नहीं है। तो बाकी जो साइडों का फ्रेम होता है प्लास्टिक का, ये भी आपको पतला दिखाई देगा, ज़्यादा मोटा नहीं है। दोस्तों तो जो ओरिजिनल डिस्प्ले होती है, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ इसमें जो डिज़ाइन जो है बाहर की, वैसा ही दिया हुआ है। ठीक है तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डिस्प्ले में चेक करके फ़ोन में। बाकी देखिए दोस्तों, ये IC का काम तो ये बाद में करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। ठीक है तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ मैं आपको फ़ोन में लगा के आपको चेक कराता हूँ कि इसकी क्वालिटी इसकी है कैसी। ठीक है चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं डिस्प्ले को जो है कि मैं यहाँ से फिक्स कर देता हूँ। ठीक है तो दोस्तों अब यहाँ से क्या होगा, तो जो भी क्वालिटी वगैरह है मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों इस तरीके से लगाते हैं इसके डिस्प्ले, जो सेंसर भी दोस्तों फिक्स कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि डिस्प्ले में थ्रू टोन जो है कि वो शो नहीं करेगा, और सेटिंग में जो है कि अननोन पार्ट का मैसेज भी शो करेगा, लेकिन दोस्तों इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, यहाँ करते हैं इसको चालू। ठीक है तो दोस्तों यहाँ से इसको वेट करते हैं ऑन होने का। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे ये ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों क्वालिटी जो है इसकी अच्छी है, ज़्यादा कोई जैसी नहीं क्वालिटी बेकार हो। तो देखिए ब्राइटनेस वगैरह भी ठीक है, ब्राइटनेस भी OLED की अच्छी होती है। यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छी है, कोई भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में मज़ा ना आए। और दोस्तों लेकिन क्वालिटी जो है इसकी दोस्तों, ब्राइटनेस जो है ना वो ओरिजिनल से काफ़ी तेज़ है। बस ये थोड़ा डिफरेंस होगा कि इसकी जो रोशनी होती है ना, इसकी ब्राइटनेस दोस्तों आंखों में चुभती है, थोड़ा ये फ़र्क होता है। लेकिन दोस्तों कोई नहीं, बाकी तो क्वालिटी में तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन लो करते हैं, लो में भी ज़्यादा लो नहीं है, लेकिन मीडियम पे ही है। ठीक है दोस्तों, ये GX दिखने में दिखाई देता है। तो इसकी क्वालिटी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सेम क्वालिटी है जैसी ओरिजिनल होती है। बाकी दोस्तों देखिए, यहाँ से बेजल्स जो होते हैं, बेजल्स भी पतले हैं, वही मोटे बेजल्स नहीं है जो आपको ऊपर की टाइमिंग या बैटरी का परसेंटेज जो छुप जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से बेजल्स जो हैं बिल्कुल पतले दिए गए हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। दोस्तों पहले की जो 13 की डिस्प्ले आती है उसमें बेजल्स मोटे होते हैं, लेकिन 14 प्लस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ अंदर की। दोस्तों देखिए, यहाँ से डिस्प्ले का जो मैसेज है, यहाँ पर डिस्प्ले का जो मैसेज है वो तो दोस्तों शो करेगा अननोन पार्ट का, ये तो बाद में हम इसमें IC को रिप्लेस करके इसको हटा भी देंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है बाकी दोस्तों यहाँ पे बाकी तो क्वालिटी तो ठीक है, ब्राइटनेस जो वाइट ब्राइटनेस है वो बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई ऐसे ना कोई ब्लू टाइप का है और ना कोई येलो टाइप का है, बिल्कुल मीडियम वाइटी है। ठीक है यहाँ सब कुछ ओके है। बाकी तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ स्पीड इसकी, यहाँ देखिए स्पीड में भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल जैसे होते। बस दोस्तों हल्का फुल्का जो है कि लग रहा है थोड़ा फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो देखिए यहाँ पे करता हूँ, देखिए स्पीड में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, हल्का फुल्का तो लग रहा है मुझे कि ओरिजिनल से मुकाबले थोड़ा सा स्लो है। तो लेकिन बाकी तो ठीक है, इतना कोई चेक तो करता नहीं है। तो बाकी यहाँ देखते हैं, यहाँ तो फिलहाल स्पीड सही है। ठीक है दोस्तों स्पीड बिल्कुल सही है, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो फर्स्ट क्लास चल रही है। ठीक है तो ऐसे टाइप के ही डिस्प्ले है। ठीक है तो यहाँ से देखिए बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास है। मैं यहाँ से आइकन देखता हूँ, तो दोस्तों यहाँ से आइकन भी बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से बिल्कुल ही अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक है कोई दोस्तों यहाँ पर लैग नहीं मार रहा, कोई हैंग नहीं मार रहा, कोई अटक नहीं रहा है, तो बिल्कुल फास्ट चल रही है। ठीक है बाकी देखिए दोस्तों, डिस्प्ले जो है कि GX ब्रांड की, दोस्तों इस तरीके से डिस्प्ले है। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए तो हमारे पास ये अवेलेबल है, आप हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बताया है डिस्प्ले की क्वालिटी। दोस्तों क्वालिटी वगैरह सब कुछ ठीक है, और बाकी डिस्प्ले भी ठीक है, आप लगवा सकते हो। ठीक है तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।